नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सट्रीम ड्राइव पे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक महिंद्रा की एमपीवी या एमयूवी जो हाल ही में लॉन्च हुई है 3 सितंबर को, महिंद्रा की मराजो। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलती है महिंद्रा की ट्रेडिशनल ग्रिल्स विद 7 स्पोर्ट्स, नीचे आपको मिलते हैं फेंडर्स विद हनीक्रोम ग्रिल, आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और साथ में आपको येलो लाइट आती है। इधर आप देख सकते हैं इधर नीचे आपको फॉर लैम्प्स भी महिंद्रा प्रोवाइड कराती है। टॉप मॉडल सेट नीचे वाला मॉडल है M6, टॉप मॉडल है M8, इसमें आपको 7 सीटर और 8 सीटर दोनों के ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो मराजो है ना वो अर्टिगा की सेगमेंट में है, ना ही वो इनोवा की सेगमेंट में है। महिंद्रा ने एक अपनी ही सेगमेंट बनाई है मराजो के लिए और ये मुझे अर्टिगा से भी काफ़ी अच्छी लगी है और जिस प्राइस में उसके हिसाब से मुझे इनोवा से भी अच्छी लगी है। आप देख सकते हैं टायर साइज है 215/65R16। बेस मॉडल में आपको मिलते हैं स्टील व्हील्स विद कवर्स, ये है 200। टॉप मॉडल से नीचे वाला मॉडल M6, टॉप M8 है। ओआरवीएम्स में आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स। ओआरवीएम्स दोस्तों से अलग ही जगह पे है, नॉर्मली महिंद्रा अपनी कभी भी डोर के ऊपर ओआरवीएम्स नहीं रखता है, इस बार उन्होंने डोर के ऊपर रखे है तो काफ़ी स्पोर्टी फीलिंग आती है। महिंद्रा कहते थी मराजो इंस्पायर है शार्क डिज़ाइन से, उनके टैगलाइन है साइलेंट है शार्क। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे क्रोम की फिनिशिंग मिलती है इसे डोर हैंडल्स पे। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं क्रोम की स्ट्रिप्स मिलती है जो काफ़ी लग्जरी फीलिंग देती है इस कार को। ऊपर आपको मिलता है एंटीना, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता जबकि वो कहते हैं शार्क डिज़ाइन से इंस्पायर है। दोस्तों बेसिकली महिंद्रा की टीम ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसे टेल लैम्प देखिए, इसमें आपको मिलते हैं LED टेल लैम्प्स जो काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऊपर आपको मिलते हैं रेमेडी फॉग वाइपर विद सिंगल वाटर डिस्पेंसर। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप इसे मराजो था ना ए देखना, इसमें आपको शार्क का फिन दिखेगा, देख रहे शार्क की टेल। तो हाँ थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट्स है इस, इधर आपको कोई भी वेरियंट लेते हैं तो उसी बैजिंग यहाँ पर मिलेगी। तो आप देख सकते हो ऊपर आपको मिल गया ब्रेक लाइट, आपको उधर मिलती है महिंद्रा की टायर लाइन, लिव फ्री आप लगवा सकते हो, अगर आपने लगवानी है फ्री में लगती है। इधर महिंद्रा का लोगो, इधर महिंद्रा की बैजिन, आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलते हैं 4, 5, 3 सेंसर्स, 1, 2, 3, 4। नीचे आपको मिलते रिफ्लेक्टर्स, एक बार हम आपको इधर एग्जॉस्ट दिखा देते हैं। और एग्जॉस्ट से नीचे आपको मिलता है स्पेयर व्हील जो कि एक है स्टील व्हील, तो वो अलॉय नहीं आता, महिंद्रा ने इसमें किया कॉस्ट कटिंग। तो दोस्तों साइड से गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें आपको मिलते हैं इसे जो मैं आपको एक बार फ्यूल टैंक और बूट स्पेसिफिक कैपेसिटी बता दे, तो फ्यूल टैंक ऐसा 45 लीटर्स का जो आपको एवरेज देता है, महिंद्रा जो क्लेम करती है 17.6 किलोमीटर पर लीटर से असली एवरेज हम गाड़ी के अंदर बताए दे। इसमें आपको बूट स्पेस मिलती है सारी सीट्स आप करते 190 लीटर की, आप इसे सीट्स फोल्ड कर सकते हैं मिडल रो और थर्ड रो। पीछे आपको मिलते हैं फर्स्ट सीट किट, ये देखिए आप इसे ऐसे सीट्स फोल्ड कर सकते हैं, अभी हम आपको इसे दूसरी सीट भी फोल्ड करके दिखाई दे। इधर आपको मिलती है बूट लाइट LED है वाइट कलर। इधर फर्स्ट किट के साथ ही आपको मिलती है टूल किट, आपने बस इसको पुल करना है और सीट को पुश करना है, अपने आप हो जाएगा, बड़ा आसान है दोस्तों महिंद्रा की गाड़ियों में करना, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। आप देख सकते हैं आप बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, लोडिंग एरिया भी कम है। तब हम चलते हैं इसे रियर सीट्स और देखते हैं कम्फर्टेबल है या नहीं। इधर आपको मिलती है लाइट्स नंबर प्लेट के ऊपर। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज मराजो मुझे तो अच्छी लगी है, महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ होती है बस स्कॉर्पियो के अलावा। आप देख सकते हैं इधर आपको मिलता है हैंडल डोर में, आपको इधर पावर विंडो सीट कंट्रोल्स, इससे आप इधर आपको मिलता है क्रोम का हैंडल। इधर आपको ध्यान से देखना, इधर आपको मिलती है मराजो रिफ्रेश स्टाइलिंग शार्ट टेल की, इधर आपको मिलता है एलुमिनियम की फिनिशिंग। इसे 200 जो डोर पे फिनिशिंग है, इधर आपको मिलते हैं स्पीकर्स। इसे एक बार आप सीट से पैटर्न देखिए, फैब्रिक सीट्स आती है गाड़ी में, टोटल आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं विद टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। पैटर्न में है बीज एंड ब्लैक, इसे इंटीरियर है बेसिकली, ज़्यादा इन्होंने बीज रहते जो काफ़ी ज़्यादा एरी फील देता, आप देख सकते हैं। तो महिंद्रा इस पर 3 साल की वारंटी है, 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है। अगर आपको सीट्स फोल्ड करनी है आपने बस ये एक बार इसको पुल करना है, अपने आप हो जाएगी। अभी हम हमारी टीम में से एक जना इसके अंदर जाते देखते हैं। तो दोस्तों आप मैंने आपको बताया था महिंद्रा की इस पर वारंटी देती है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की, और अभी मैं जाके आया हूँ अंदर
आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जाना बहुत आसान है, काफ़ी अच्छे इसमें आपको मिल जाते हैं लेग रूम जाने के लिए। पीछे की सीट में मैं कंफर्टेबली बैठा था, मेरी हाइट थी 5'7", मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ऊपर हेडरूम भी आप देख सकते हैं। इधर आपको मिलता है फर्स्ट इन क्लास AC, सराउंड AC। इधर रेयर में आपको मिलता है कप होल्डर, ऊपर मिलती है LED लाइट, काफ़ी अच्छी इजी टू यूज़ है। इधर आपको मिलता है हैंडल, AC भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, फर्स्ट इन क्लास राउंड AC जो इस सेगमेंट में जाए, किसी भी सेगमेंट में नहीं आया जो महिंद्रा ने निकाला है। दूसरी दूसरी साइड भी आपको मिलेगा कप होल्डर, रियर से आप इसे फ्रंट डैशबोर्ड देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी सेकंड रो सीट पे और देखते हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं। हम आ गए इसी सेकंड रो सीट पे, तो हमने ड्राइवर साइड पूरी पूरी फॉरवर्ड कर चुकी है, कॉर ड्राइवर साइड हमने पूरी की पूरी पीछे कर दी है, तो मेरे पास लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है। और यह है दोस्तों कॉर ड्राइवर साइड सीट जो हमने पूरी की पूरी पीछे की है। बीच यह है कैप्टन सीट्स, अभी रैप अभी प्लास्टिक रैप चढ़ा हुआ, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर आपको मिलती है AC कंट्रोल्स, इधर मिलती है LED लाइट्स, तो क्वालिटी तो उन्होंने अच्छी यूज़ किया है इसमें महिंद्रा ने, AC वेंट्स आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी मतलब कूलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, हैंडल आपको मिलता है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी। इधर आप अपना ब्लेजर भी टान सकते हैं, हुक मिलता है। इधर आपको मिलता है USB सॉकेट, ध्यान से देखिए। उसी के ऊपर आपको मिलती है थोड़ी बहुत स्पेस कप होल्डर्स पीछे पैसेंजर्स के लिए। एक बार आप इसे रियर सेकेंड रो सीट से फ्रंट का डैशबोर्ड देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम चलते हैं इसी ड्राइवर साइड सीट पे, कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलती ना पुश बटन स्टार्ट है, पर काफ़ी फीचर्स दिए, कंफर्टेबल कार है तो इतना हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इधर आपको मिलती है OBD से कंट्रोल जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रेक्टेबल। पावर विंडो से कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर को बंद करने के लिए हैंडल मिलता है, लेदर की फिनिशिंग मिलती है, मैंने आपको बताया था डोर के ऊपर 200 लेदर की फिनिशिंग। जी हाँ, ऊपर से आप इसे डोर की क्वालिटी देख सकते हैं, एलुमिनियम की फिनिशिंग, ब्लैक ट्रीटमेंट, क्रोम के हैंडल्स, वही शार्ट टेल वाली इन्होंने की है स्टाइलिंग, तो छोटे छोटे एलिमेंट से कार काफ़ी स्टाइलिश लगती है। 1 लीटर बोतल होल्डर सेट विद सेट स्पीकर्स, तो ओवरऑल कार काफ़ी अच्छी है। एक बार हम आपको इसे सीट से एडजस्टेबिलिटी दिखा देते हैं। अगर आप तो अपनी हाइट एडजस्ट नहीं, आप इसे कर सकते हैं, देख रहे हैं सीट अभी हाइट ऊपर हो रही है। अगर आप तो लंबर स्पोर्ट एडजस्ट नहीं, आप इसे कर सकते हैं। अगर आप तो अपना लेगरूम इंक्रीज और डिक्रीज करना, आप इसे कर सकते हैं, इससे इंक्रीज हो जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। एक बार हम आपको दोबारा इसी हाइट एडजस्ट करके दिखाते हैं, नीचे नीचे करना तो इससे हो जाएगी। तब हम चलते हैं इसे अंदर और देते हैं इसे फीचर्स। हम नई वाली मराज़ो के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं आपको स्टेयरिंग व्हील पे मिलते हैं पियानो ब्लैक की फिनिशिंग, जो महिंद्रा ने इसे छोटे छोटे ट्रीट्समेंट दिए जो काफ़ी अच्छे लगते हैं पियानो ब्लैक क्रोम के। इधर आपको मिलते हैं हेडलैम्प से कंट्रोल्स, सेंट आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं इन्फोटेनमेंट के, राइट साइड में मिलते हैं MNATC के, उधर आपको मिलते हैं वाइपर से। एक बार हम आपको इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑन करके दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये सारा रीडिज़ाइन हुआ है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा लगता है, फर्स्ट इन सेगमेंट है। इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको लिखा है महिंद्रा राइज, जो बेस्ट लगता है। ऐसा इन्फोटेनमेंट सिस्टम पर डाइल्स है, 7000 RPM टॉप है, 188 किलोमीटर पर आज टॉप स्पीड है। आप MNATC डिस्प्ले देख सकते हैं, नेविगेशन, लो फ्यूल, क्लॉक एडजस्ट कर सकते हैं आप, कितनी चल सकती है अभी। ये है दोस्तों एवरेज एरिया 15.2 किलोमीटर पर लीटर की, तो अभी ये डिस्टेंस आपको MNATC दिखाएगा, तो काफ़ी इजी टू यूज़ है दोस्तों से MNATC डिस्प्ले, और काफ़ी स्मूथ है। ये ऐसा सेंटर कंसोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच स्क्रीन है फुल, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का प्ले नहीं है। आप देख सकते हैं मीडिया फोन, नेविगेशन, कार इन्फो में डिस्टेंस MNATC 131 किलोमीटर पर लीटर, लो फ्यूल में भी दोस्तों 15.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आ रही है। ये सारी सर्विसिंग वगैरह इन्फो और भी बड़ा कुछ इसमें आपको मिलता है, जैसे कि ये फ़ोन से नेट कर सकते हैं आप, एंड्रॉयड ऑटो या मिरर लिंक, एप्पल कार प्ले नहीं मिलेगा इसमें आपको। कंट्रोल्स, इसे बटन काफ़ी हाई क्वालिटी के है, और उन्होंने तो छलक किया है। इधर आपको मिलती है पियानो ब्लैक की फिनिशिंग, आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलते हैं फ्रंट में 4 AC वेंट्स। तो दोस्तों इसमें आपको AC है टॉप मॉडल में भी मैनुअली मिलेगा, ऊपर आप देख सकते हैं इधर आपको मिलती है स्पेस। तो इधर तो दोस्तों बंदा कुछ रखे वो भूल ही जाएगा, उसने कुछ रखा भी था इस गाड़ी में। इधर आपको मिलती है पैटर्न में प्लास्टिक की फिनिशिंग, इधर आपको मिरर मिलता है विद लाइट, ऑटो लाइट। जी हाँ,
काफ़ी अच्छे से वर्क करती है ये। ड्राइवर साइड पे आपको कोई मिरर नहीं मिलता, सिर्फ सनशेड मिलता है, ये सी LED लाइट्स। इसमें दो है, ये आप पूछ रही है क्या, ये 200 पिछले बेसिकली पिछले सारा व्यू देखने के ग्लास है। इधर आपको मिलता है सन ग्लास होल्डर, 200 इधर आपको मिलता है ग्लव बॉक्स, काफ़ी डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स है, ज़्यादा नहीं है। या आप देख सकते हैं AC कंट्रोल्स, मैनुअल AC ऑटोमेटिक नहीं आते, H500 से इससे AC कंट्रोल्स लिए गए हैं। 1, 2, 3, 4 रियर के डिफॉल्ट कंट्रोल्स। इसमें आपको 7 वेरियंट्स आते हैं, M2, M4, M6, M8। इधर आपको मिलती है हैजर्ड लाइट से कंट्रोल्स, इन्फॉर्मेशन एयरबैग सीट बेल्ट की भी, सीट बेल्ट वार्निंग इधर ही मिली थी। सेफ्टी वाइज 2 एयरबैग्स आते हैं, ये ऐसा रियर नॉब, 6 स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन है फिलहाल। नीचे आपको मिलती है ऑक्स सॉकेट और USB सॉकेट, साथ में 12 वी का पावर आउटलेट। ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कार जो दोस्तों महिंद्रा की मराजो है वो आती है डीजल में, पेट्रोल में नहीं आती है। आने वाले टाइम में महिंद्रा इसे ऑटोमेटिक में देगा। इधर आपको मिलती है ट्रे के नीचे आपको मिलती है 2 कप होल्डर्स, काफ़ी अच्छी स्पेस है। आप इधर मोबाइल रखे थे तो मोबाइल गिरेगा नहीं। ये ऐसी हैंड ब्रेक थोड़ी अजीब सी जगह पे है, कई जगह थोड़ी ईजी टू यूज़ लगती है, हमें थोड़ी मुश्किल आई थी। इधर मिलते हैं 2 कप होल्डर्स पिछली वाली साइड पे। तो दोस्तों मराजो आपको 7 सीटर 8 सीटर दोनों में ऑप्शन आते हैं। आप एक बार आप जो इसे ट्रेन की एडजस्टेबिलिटी दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप 8 सीटर लेना आप ले सकते हैं। ये मॉडल है 7 सीटर M6। इससे प्राइसिंग शुरू होती है 9.99 लाख से, टॉप मॉडल है 13.90 लाख का। बेस मॉडल से आपको 2 एयरबैग्स ABS EBD मिलता है। इस मॉडल में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। अगर आपको इसे बोनट खोलना, आप इसे खोल सकते हैं, पुल करके सोचो तो बोनट खुल जाएगा। तो सेफ्टी में मैं बता रहा था, इसमें आपको रियर में डिस्क मिलती है, फ्रंट में भी डिस्क मिलती है। अगर आप जैसे बोनट खोलते हैं हैजर्ड लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। थम्स अप टू महिंद्रा। इससे बोनट भी 200 इजी टू यूज है, खोल सकते मतलब। इसमें आपको मिलता है 1500 CC का इंजन जो जनरेट करता है 121 BHP की पावर, 300 Nm का टॉर्क, और सिर्फ 1500 और अभी ऑप्शन नहीं है इसमें। बस यही, आप 7 सीटर लेना चाहते हैं, 8 सीटर लेना चाहते हैं, पेट्रोल का भी ऑप्शन नहीं, ऑटोमेटिक का भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसे प्राइसिंग वाइज भी इन्होंने ठीक किया, 9.99 लाख टू 13.90 लाख। एक्स शोरूम बता रहा हूँ दोस्तों चंडीगढ़। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये 7 सीटर है दोस्तों M6 वेरियंट, जैसे कि आपने देख लिया था। इसी एवरेज मैंने हमने आपको इसी एवरेज भी बताई थी, रियल एवरेज। तो इसमें जो कलर्स, 6 कलर ऑप्शन आपको महिंद्रा प्रोवाइड कराता है, ओशियनिक ब्लैक, मरीन, एक्वा मरीन, पर्पल, मैरून, सिल्वर एंड आइसबर्ग वाइट। इसे दोस्तों जो सस्पेंशन है वो आपको मिलती है, फ्रंट सस्पेंशन है वो है तो डबल विशबोन विथ शॉक ऑब्जर्वर एंड कॉइल स्प्रिंग। और जो रियर सस्पेंशन है वो है दोस्तों रियर ट्विस्ट बीम विथ कॉइल स्प्रिंग। तो दोस्तों 6 कलर ऑप्शन आते हैं, ये ऐसी मैनुअल की आप देख सकते हैं। पीछे आपको पैटर्न मिलता है, महिंद्रा की बैजिंग मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों। फ्लिप की है, लॉक अनलॉक बूट के कंट्रोल्स है, अगर आप उस बटन को दबाते हो तो फ्लिप की बाहर आ जाती है। तो दोस्तों बहुत बहुत